दोस्तों आज के इस वीडियो में तीन चार बड़ी अपडेट्स अलग अलग यूनिवर्सिटी की आपके लिए लेकर आया हूं। राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सभी के लिए लगभग अपडेट्स होने वाली हैं, तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स है वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा ताकि मुझे पता चल सके आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, ताकि जब भी कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी से संबंध में कोई भी अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले शेयर कर दी जाए। तो जो भी है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम पूरा नाम लिखना है दोस्तों, पूरा नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहली बड़ी अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, कोटा विश्वविद्यालय से पहली बड़ी अपडेट आ रही है। देख सकते हैं मुख्य परीक्षा 2021 हेतु ऑनलाइन परीक्षा नामांकन आवेदन पत्र भरने से संबंधित विज्ञप्ति देखिए दोस्तों। जो स्टूडेंट्स पहले एग्जाम फॉर्म भरे बगैर रह गए थे उनको एक और मौका दिया गया है, वो छात्र एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक भाग प्रथम द्वितीय व तृतीय, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध उत्तार्ध सेमेस्टर प्रथम तृतीय व पंचम एवं बीए बीएससी बीकॉम एडिशनल स्नातक में समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में बीएड एमएड इत्यादि पाठ्यक्रमों सहित आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। देख सकते हैं नामांकन पत्रता एवं परीक्षा आवेदन पत्र विलंब शुल्क राशि 100 रुपये के साथ ऑनलाइन भरने की तिथि 12/7 से 19/7/2021 तक बिना विलंब शुल्क के साथ है। और साथ साथ यहां पर देख सकते हैं हार्ड कॉपी जमा कराने को लेकर, जो आपकी हार्ड कॉपी है, बहुत सारे दोस्त कह रहे थे हार्ड कॉपी कब जमा करानी है, तो 12 से लेकर 22 तारीख तक के बीच में आप हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं अपने फॉर्म की। अपने विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में जाकर आप अपनी यूनिवर्सिटी जो अपनी हार्ड कॉपी है फॉर्म की वो जमा करवा सकते हैं। दोस्तों ये पहली बड़ी अपडेट। अब चलते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की ओर। दोस्तों देख सकते हैं ऐसे ही MDSU महर्षि दयानंद सरस्वती की, देखिए दोस्तों मैं हर यूनिवर्सिटी की अपडेट आप तक बताता हूँ, बशर्ते आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में डालना है। देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में 23 जुलाई तक कॉलेजों में जमा होगी फॉर्म की हार्ड कॉपी। MDSU ने कॉलेजों में एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवाने की तिथि जारी कर दी है। 13 जुलाई से 23 जुलाई तक अपने कॉलेजों में हार्ड कॉपी जमा करा देवें, ये दूसरी बड़ी अपडेट। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगर आपका किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी कंसेप्ट में, बोर्ड में, जेई नीट में, तो घबराएं नहीं, आ गया है फिलो ऐप, जिसकी मदद से आप कुछ ही सेकंड्स में अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं विद इन 3 इजी स्टेप्स। करना क्या है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर फिलो सर्च करना है। फिलो सर्च करने के बाद फिलो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, आप अपने क्वेश्चन की फ़ोटो या फिर क्वेश्चन टाइप करके आप सबमिट कर दीजिए। फिलो आपकी कॉल एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। मैं कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर। इस तरह आप अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं कुछ ही सेकेंड्स में। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर डाउनलोड करें फिलो ऐप। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भी महर्षि दयानंद सरस्वती से आ रही है। जो आपके टाइम टेबल है उसको लेकर LLB फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उन सभी के टाइम टेबल आ चुके हैं जो पिछले साल रह गए थे, स्पेशल एग्जाम उनके लिए हो रहे हैं COVID-19 के कारण। तो ये देख सकते हैं प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशन 2020, ये टाइम टेबल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और चेंजेस होते हैं तो यहाँ पर आपको वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो दोस्तों ये नेक्स्ट अपडेट आ रही है MGSU यूनिवर्सिटी से, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से ये बड़ी अपडेट आ रही है। क्या है अपडेट देख सकते हैं दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से ये आवश्यक सूचना है। बीकानेर संभाग के समस्त कॉलेजों में, जितने भी बीकानेर में समस्त कॉलेज हैं, में प्रमोट हो चुके स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातक द्वितीय वर्ष व स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष के नियमित छात्र छात्राओं को अगले वर्ष की स्थायी एडमिशन प्रक्रियाएं चालू हो चुकी हैं। जो फर्स्ट ईयर में हैं, जो नियमित छात्र हैं, उनके अगले वर्ष की स्थायी एडमिशन प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 31/7/2021 है। एडमिशन के लिए कॉलेज से आपके मोबाइल नंबर पर आया मैसेज ही लेकर जाना है, जिससे आपकी एप्लीकेशन ID व फीस लिखी हुई है। तो ये दोस्तों MGSU यूनिवर्सिटी से ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। तो ये 4-5 बड़ी अपडेट आप तक शेयर की हैं। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में रख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।